नमस्कार, आप देख रहे हो झलको सीकर। मैं नंदिता आपरे साथ। 5 महीने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सवाई माधोपुर का बोली थाना क्षेत्र में बनास पुलिया के पास एक ट्रक को इको कार भिड़ने से एक्सीडेंट हुई हो, जिसमें सीकर निवासी मनीष सहित 6 लोगों की मौका पर ही जान चली गई और 2 बच्चा गंभीर रूप घायल हो गया। अभी भयानक एक्सीडेंट रात सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रही है कि ट्रक अचानक को यू टर्न लेवे और पीछे आ रही कार क्यों टकरा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर बिना कोई सिग्नल दिया लेफ्ट मोड़ देवे और कुछ ही सेकंड में इको कार ट्रक को टकराएगी, क्योंकि कार खुदरी लाइन में सीधी चल रही ही ट्रक ड्राइवर मन मर्जी चलता चलता मोड़ ली। भिड़ने के बाद ड्राइवर ट्रक में रोकने की बजाय यू टर्न देर बटे से फरार हो गयो। वीडियो में घटना स्थल लगभग 40 मीटर दूर एक और ट्रक खड़ो दिख रही है। ट्रक के पास 3 लोग भी खड़ा हा। हादसों होता ही बे लोग भी मदद करने की बजाय एक्सप्रेस वे की रेलिंग कूद कर बटे से भाग गया। बोली DSP अंगद शर्मा बताया कि हादसा के बाद मिली सूचना के आधार पर ट्रक ने 5 घंटा में ही जब्त कर लियो और टीमा गठित कर ड्राइवर की तलाश करी जा रही। पूर्व हथरौली सरपंच भेरूलाल मीणा बताया कि फिलहाल एक्सप्रेस वे पर निजी वाहन कम ही चाले है, की वजह ट्रैफिक कम रहे। आसपास का इलाका में बजरी माफिया अवैध खनन करे तो कई बार टूटी हुई रेलिंग हो बजरी माफिया ट्रक ले एक्सप्रेस वे पर आ जावे, फिर अव्यवस्थित तरीका उन ट्रक चलावे जो कि हादसा रो कारण बने। इस तरफ पुलिस की गश्त भी कम ही रहे, इले ट्रक ड्राइवर बेफिक्र रहे। बड़े ही हादसा पर प्रदेश का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शोक व्यक्त किया है और पुलिस ने घटना पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। CM खुदरा एक्स अकाउंट पर लिखा, सवाई माधोपुर जिला का बोली थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 6 नागरिकों के काल कवलित होने का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान, वे शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। ट्रक को एक गलत यू टर्न 3 परिवार की खुशियां छीन ली। आरोपी अब तक फरार है और पुलिस की गिरफ्त तो बहुत दूर है। हादसा में मनीष और दोस्त कैलाश भी काल रो ग्रास बन गयो हो। हादसा की खबर भी सब पहला कैलाश का परिवार ने ही मिली। कैलाश रो शव घर पहुंचो तो पत्नी भी उन लिपट लिपट रोती रही और कहती रही कि मना करियो हो जबा के लिए तो आप क्यों गया। बटे कैलाश की बेटी ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही, बिना ऑस्ट्रेलिया घर पर दादाजी की तबीयत खराब होने की बात बोलकर बुलाई गई। परिजन बेटी ने सीकर लौटवा तक पिता के गुजर जबा की खबर नहीं दी, पर जिया ही बेटी घर पहुंची तो घर रो माहौल देख कर सबको समझ गई। और जब माँ बताई कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रिया तो बाप माँ और भाई से लिपट लिपट कर रोबा लागी। कैलाश की पत्नी बताई कि कैलाश में घूमने को बहुत शौक हो, महीना में 15 दिन घूमने जाता है, हमेशा मैं भी साथ जाती ही। इस बार भी मैंने बोला कि साथ चाल, बार बार ने भी रोकी पर मैं नहीं रुकिया। जी हाँ, कि आप देखिए ट्रक वाला की लापरवाही की वजह 6 जिंदगियां खत्म हुई गई, जो कि बहुत दुखद है।